अरविंद, ये मामला लगातार उलझता जा रहा है और तूल भी पकड़ता जा रहा है और इस पर सियासत भी शुरू हो गई, लेकिन जानना जरूरी है कि आखिर सच्चाई क्या है। पुलिस के लिए भी चैलेंज है, चुनौती है, खासकर राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस, दो राज्यों का ये पूरा मामला। अब किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये दो राज्यों का पूरा मामला है और अभी जो आज तक पर जो चौंकाने वाला खुलासा खुद जो मोनू मानेसर है उसने किया है, उससे तो अगर उसके दावों में कोई भी सच्चाई है तो अपने आप में ये मामला काफी उलझता हुआ दिख रहा है। क्या जो बुलेरो गाड़ी में भिवानी में जो नरकंकाल जली हुई लाश मिली है, क्या वो जुनैद और नासिर की है? कम से कम जो बुलेरो गाड़ी है वो तो आइडेंटिफाई की गई है, जो भरतपुर से जिसमें किडनैप करके ले जाया गया था, लेकिन क्या जुनैद और नासिर की ही वो लाश है? ये डीएनए जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन नामजद जो आरोपी है उनमें सभी बजरंग दल के हैं, ऐसा एक आरोपी ने आज तक से बातचीत में बताया। हमने पूछा मोनू से कि कैसे उसका नाम इस एफआईआर में आ गया, उसका कहना है कि ये साजिश है। लेकिन आपको बताऊं, मोनू के खिलाफ 6 फरवरी मोनू मानेसर जो गौ रक्षकों के बीच काफी ज्यादा चर्चित है, खासतौर से गुरुग्राम और मेवात रीजन इलाके में, वहां पर पटौदी में 6 फरवरी को दो समुदाय को के बीच एक विवाद हुआ था जिसमें मोनू मानेसर ने फायरिंग की थी और उसके खिलाफ 307 की एफआईआर दर्ज है, वो उस मामले में भी फरार चल रहा है। अब ये दूसरा ऐसा मामला है जिसमें उसका नाम सामने आ रहा है और इस बार हत्या के कहीं ना कहीं एक आरोप उस पर लग रहा है, क्योंकि जब किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें मोनू मानेसर और बाकी जो आरोपी है उनका नाम है, 5 कुल आरोपी है। मोनू मानेसर का बने रहे, आपका फौरन रुक करेंगे, लेकिन इस पूरे मामले में शिकायत भी दर्ज की जा चुकी है और शिकायतकर्ता का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, सुनवाते हैं जरा। मरे ही नहीं जनाब, इनको गाड़ी के अंदर बंद करके मार दिया गया, जिंदों में आग लगा दी गई, इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी इन लोगों ने। हम सरकार से और पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि हमारे जो दोनों भाई थे इनको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हमारे सहयोगी कंवलजीत संधू उस जगह पर पहुंचे जहां पर बोलेरो कार जलती हुई नजर आ रही है और वहां से कंकाल बरामद किया गया, वहां से एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। मैं इस वक्त खड़ी हूँ, उस वक्त यहाँ पे गाड़ी ले जाई जा चुकी है, बॉडीज उसमें से निकाल चुके, पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सनसनी फैल हो चुकी है इस पूरे इलाके में। आपको ये भी बता दें कि ये सुनसान सा इलाका, अगर दूर दूर तक आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कच्ची मिट्टी नजर आएगी और यही जगह है जहां पे गाड़ियां खड़ी हुई थी। इसमें दो जो मुस्लिम समुदाय से लोग हैं वो दो युवक हैं वो पाए गए थे, और जो अगर हम राजस्थान में जहां पे भरतपुर में एफआईआर की गई है उसमें नामजद जो लोग हैं, चाहे हम अनिल की बात करें, मोनू की बात करें, इनको बजरंग दल से पाया गया है। लेकिन क्या किस्सा है, क्या कनेक्शन है, क्योंकि जितने भी ये जो अक्यूज हैं वो हरियाणा के हैं, तो क्यों उन्होंने यहाँ पे चुना? और आपको देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी यहाँ पे आती हुई नजर आती है, हम पुलिस से भी इस वक्त बात करेंगे, लेकिन चश्मदीद है यहाँ पर, किस तरह से मिली, चेसिस नंबर है और बाकी सारी चीजें हैं उनके बुनियाद पर ये किया गया। आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, इस तरह की घटना कभी हुई है कि गाय तस्करी को लेकर गुस्सा हो, नाराजगी हो, आप लोगों को कब पता चला? नहीं, हमारे इधर ऐसा कोई भी वो नहीं है गाय के प्रति भी, मुस्लिम समुदाय के प्रति, क्योंकि हमारा ये मतलब हिंदू बहुल्य इलाका है और हमारे गाँव में ये पहली बार इतनी बड़ी घटना हुई है जिससे गांव में भी दहशत है कि कहां से लगे। तो अंदर कंकाल हैं, जले हुए हैं, ये सब आपको कब पता चला? ये सुबह 8 बजे है जी, 9 बजे, 8:30 पर कॉल कर। तो हम पुलिस से इस वक्त वर्जन लाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे साथ इस वक्त है अजीत सिंह जो कि डीएसपी है यहाँ से। सर हम घटनाक्रम पर हैं, आप ये बताइए कि राजस्थान पुलिस हरियाणा पुलिस दोनों ही इसमें शामिल है, जांच कौन करेगा इस पूरे मामले की? इसकी जांच मैडम उनके अभियोग अंकित है गोपालगंज थाना जिला भरतपुर में, वो अनुसंधान वही करेंगे। हमारे तो सिर्फ यहाँ डेड बॉडियां मिली थी और हमने 74 कार्रवाई करके उनके हवाले कर दी। दूर दूर तक आप देखिए कच्चा रास्ता है जो गांव से काफी दूर पड़ता है और यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पर 12 बजे के करीब, जैसे हमें बता रहे थे कोई कि 12 बजे के करीब वो यहाँ से गए किसी शादी को अटेंड करने के लिए, तो यहाँ पे गाड़ी नहीं थी, लेकिन जब वो सुबह आए और उन्होंने देखा कि 4 बजे के करीब यहाँ पे गाड़ी थी और वो जल रही थी,
उस समय देखा नहीं कि कंकाल है अंदर, लेकिन और इस मामले में पुलिस क्या कह रही है वो सुनना बहुत जरूरी है। आइए आपको सुनाते हैं पुलिस की प्रतिक्रिया। जो लोहारू थाने के बरवास गांव की एक बनी है, वहां पे एक जली हुई बोलेरो गाड़ी मिली जिसमें दो जले हुए कंकाल मिले हैं, तो इसकी सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस वहां पहुंच के और FSL टीम भी वहीं वहां गई हुई है, और जो ये मामला काफ़ी संदिग्ध लग रहा है और इसमें गाड़ी का नंबर प्लेट भी नहीं है और चेसी नंबर के आधार पर गाड़ी की पहचान करके इसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। कारवा से जो झुप्पा के रोड जाता कच्चा रास्ता, उसमें बनी में एक बोलेरो खड़ी है जो जड़ी हुई है, तो मौका पहुंच के देखा तो उसमें दो नर कंकाल पड़े थे। और उसके बाद मौका मैं भी गया, CIE की टीम भी आई, FSL के डॉक्टर भी आए और हमारी साइबर की टीम भी आई, तो उसमें हमने उसके चेसी नंबर से भेजे हुए हैं और जो तकनीकी सहायता हम अनुसंधान में ले सकते हैं वो हम लगे हुए उसमें। उसमें आशंका ये है कि वो दो आदमी हो सकता है बोलेरो में आग लगी हो या जला के मारे हो, अभी कोई क्लियर नहीं है, पोस्टमार्टम होना है उनके, उसके बाद कोई क्लियर होगी बात।